बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 21 अगस्त 2020 फ्राइडे का दिन था, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही है, सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर पॉजिटिव नोट पे बंद हुए और कौन से जो है वो आज नेगेटिव में गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे, जिनमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। डाटा देखेंगे आज का क्या कैसा रहा है, आज के रिजल्ट्स जो है उसको देखेंगे कि कैसे रिजल्ट आए। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, पे आउट्स वगैरह, बोर्ड मीटिंग्स, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। इंडेक्स ने आज भी नेगेटिव क्लोजिंग दी है, 246 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। 39,621 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है, 0.62% का डिक्लाइन देखा गया। आज ओपनिंग भी नेगेटिव में ही रही थी इंडेक्स ने 39,840 पे, और थ्रू आउट सेशन जो है वो नेगेटिव रहा है। जो अपना लो पोस्ट किया है वो 39,240 का है, 628 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में निकल गए थे इंडेक्स से 1.58%, लेकिन आखिरी घंटे में जो है वो बाइंग विटनेस हुई और तकरीबन कोई 350 पॉइंट्स जो है वो रिकवर हुए और एंड पे जो है 246 पॉइंट की कमी के साथ 39,621 की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम्स जो है वो आज भी कम लगे हैं, 207 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। KSE 100 इंडेक्स में 5 डे की जो एवरेज है वो 268 मिलियन शेयर्स की है। कल की निस्बत भी वॉल्यूम कम थे, कल जो है वो 242 मिलियन का काम हुआ था और आज जो है वो 207 मिलियन का। ओवरऑल जो है वो 32 स्क्रिप्ट आज अपसाइड पे थे, 60 स्क्रिप्ट डाउन थे, जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज किए हैं KSE 100 इंडेक्स के। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आज ऑयल सेक्टर जो है वो गिरा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 89 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने 45, सीमेंट्स की तरफ से 36 पॉइंट निकले हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने भी 28 पॉइंट निकाले। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 13, टोबैको ने 12, इंश्योरेंस ने 11, जबकि टेक्नोलॉजी की तरफ से भी 10 पॉइंट निकले हैं। फ्लिप साइड पे कमर्शियल बैंक्स ने थोड़ा सा इंडेक्स को जो है वो पॉइंट ऐड किए हैं, 10 पॉइंट। फर्टिलाइजर ने 6, जबकि ग्लास सेक्टर ने भी 3 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो PPL ने ड्रैग किया है इंडेक्स को 52 पॉइंट्स, OGDCL ने 39, हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 37 पॉइंट्स, PSO ने 22, दाऊद एरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 13, पाकिस्तान टोबैको ने भी 12 पॉइंट्स निकाले हैं, लकी सीमेंट की तरफ से 12, जबकि फौजी सीमेंट जो है वो 8 पॉइंट के साथ डाउनसाइड पे थे। जबकि अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नेशनल बैंक की तरफ से 14 पॉइंट्स ऐड हुए, HBL ने 12 पॉइंट्स ऐड किए, एंग्रो कॉरपोरेशन ने 11, एंग्रो फूड ने जो है वो 10 पॉइंट ऐड किए हैं, बैंक अल्फला लिमिटेड ने 6, जबकि AGP लिमिटेड की तरफ से भी 4 पॉइंट इंडेक्स में आज ऐड हुए। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव सेक्टर्स में से आज ग्लास सेक्टर जो है वो टॉप पर आया है, 2.38% का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल वीविंग में 1.65% का इजाफा देखा गया। वुलन सेक्टर भी 1.51% अपसाइड पे था। पावर एंड बोर्ड सेक्टर में 1.02%, मिसिलिनियस सेक्टर 0.54, जबकि वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो है 0.33% आज अपसाइड पे थे। फ्लिप साइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज रिफाइनरी सेक्टर डाउन गया है, 2.38% की गिरावट देखी गई है इस सेक्टर में। टोबैको भी 2.10% डाउन था। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.94% डाउन थे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 1.91% का डाउन आया। टेक्नोलॉजी भी 1.64% डाउन थी। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.60, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जो है 1.57% डाउन थी, इंश्योरेंस 1.28, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर भी 1.10% आज डाउन गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 216 पॉइंट्स की कमी आई है, 0.77% कमी के साथ 27,858 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम जो है वो 399 मिलियन शेयर्स के लगे हैं। KSE 30 इंडेक्स पे भी 106 पॉइंट्स की कमी आई है, 0.62% कमी के साथ 17,176 पे इसकी क्लोजिंग आई है, 98 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान के जो 30 इंडेक्स है उसमें भी 677 पॉइंट्स की कमी आई है, 1.05% कमी के साथ 63,724 पे इंडेक्स की क्लोजिंग दी है, 107 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 156 पॉइंट्स की कमी हुई है, 0.79% कमी के साथ 19,493 पे क्लोजिंग दी है, 207 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है,
ETF में जो है UBL का जो है उसमें 24 पॉइंट्स की कमी आई है, 0.21% कमी के साथ 11,300 पे क्लोजिंग दिए है इंडेक्स ने। 17 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें भी ट्रेड हुए, जबकि NIDA का जो ETF है उसमें 67 पॉइंट्स की कमी आई है, 0.76% कमी के साथ 8,768 पे इसकी क्लोजिंग दी है और तकरीबन जो है वो 26.5 मिलियन शेयर जो है टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के मोस्ट टॉप 10 जो है वो एक्टिव स्क्रिप्ट्स की तरफ जाते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से जो है आज टॉप पे है WTL है 23.98 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4.72% ये डाउन गया। ANL में 22 मिलियन का आज काम हुआ है, 1.23% इसमें इजाफा देखा गया। TPL कॉर्पोरेशन 19.45 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.25% ये डाउन था। दीवान सीमेंट जो है 17.80 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये आज 11.09% जो है वो इंक्रीज हुआ है। यूनिटी फूड जो है वो 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.14% इंक्रीज हुआ है। TRG पाकिस्तान जो है वो 13.96 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.74% ये डाउन गया है। यूनिटी की जो राइट्स हैं उसमें भी 13.74 मिलियंस का वॉल्यूम आया, 0.97% अपसाइड पे गए। TPLP प्रॉपर्टीज जो है वो 13.56 मिलियंस वॉल्यूम के साथ आज 11.11% अपसाइड पे गए। पावर सीमेंट्स 12 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 2.07% अपसाइड पे था। पाकिस्तान टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो है वो 11.63 मिलियंस वॉल्यूम के साथ ये आज डाउन गया है 2.33% जो है। टॉप 10 गेनर्स जो है वो उसकी बात करें तो सबसे पहले जो है वो ग्रेस लीजिंग लिमिटेड है, 17.21% अपसाइड आई है इसमें। फर्स्ट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बैंक्स लिमिटेड जो है वो 13.85% पॉजिटिव था। TPL प्रॉपर्टीज 11.11%, दीवान सीमेंट्स 11.09% अप था, पेस लिमिटेड 7.74% अप था, चिराग पैकेजिंग 7.50, एंग्रो फूड 7.49, ई कॉप लिमिटेड 7.47, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड 7.42, जबकि सरकन शुगर्स भी 7.26% अपसाइड पे था। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स दीवान सीमेंट्स में लगे हैं 17.80 मिलियन, दूसरे नंबर पर TPL प्रॉपर्टीज हैं 13.56 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो टेलीकार्ड है 10.56% डाउन थे, सिल्क बैंक 8.89%, 786 भी आज 7.49% डाउन था, शेल पेट्रोलियम 6.47%, आदम शुगर जो है वो 5.83%, IGI लाइफ इंश्योरेंस जो है 5.38% डाउन थे, दाऊद इक्विटीज 4.90%, वर्ल्ड कॉल जो है वो टेलीकॉम 4.72% डाउन था, पाक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है 4.50, जबकि पाक ऑक्सीजन जो है 4.37% डाउन गया है। तो वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स WTL में लगे हैं 74 मिलियंस के करीब और दूसरा जो है वो टेली रहा है 1.09 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो इवेंट्स हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स जो है वो EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर की रिजल्ट है, कल सुबह जो है वो 11 बजे की बोर्ड मीटिंग है। AGP लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, सुपहर 4 बजे कल जो है ये मीटिंग होगी। मंडे को ये दो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जाएंगे प्री ओपनिंग में। हाई नून लेबोरेटरीज लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, मंडे वाले दिन 10 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 24 अगस्त को 11 बजे 10:30 बजे अनाउंस करने जा रही है। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 24 अगस्त को सुबह 11 बजे। कदून टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो 11:30 बजे 24 अगस्त को पेश करेगी। ग्लास्को का जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट है 24 अगस्त को 11:30 बजे। कॉलगेट पामोलिव जो है पाकिस्तान लिमिटेड उसका एनुअली रिजल्ट है 24 अगस्त को सुबह 3 बजे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 24 अगस्त को सुबह 3 बजे पेश करेगी। सियान लिमिटेड का भी जो है हाफ ईयर का रिजल्ट 24 अगस्त को 3:30 बजे जो है वो अनाउंस होगा। पेआउट्स की अगर बात करें तो जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का डिविडेंड अवेलेबल है 30%, 3 रुपये पर शेयर का। ये कब सितंबर से 7 सितंबर इसकी जो है बुक क्लोजर की डेट्स है, 28 अगस्त इसकी एक्स डेट है लास्ट, तो 27 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं अगर आपको ये डिविडेंड अवेल करना है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है।
एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड का जो है 12.50% का डिविडेंड है, तकरीबन 1.25 रुपये। 31 अगस्त जो है इसकी लास्ट एक्स डेट है, तो 30 अगस्त तक आप इसको बाय आउट कर सकते हैं। 2 सितंबर से 8 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड का भी 15% का डिविडेंड है, 1.5 रुपया पर शेयर। 4 सितंबर 2020 को एक्स हो जाएगा, 3 सितंबर तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 8 से 14 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये भी नहीं है। एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का 40% का डिविडेंड अवेलेबल है, 4 रुपये पर शेयर। 8 सितंबर को एक्स हो जाएगा तो 7 सितंबर तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। 10 से 16 जो है वो इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये है। RF हबीब लिमिटेड का भी 25% का डिविडेंड है, 2 रुपये पर शेयर। 10 सितंबर को एक्स हो जाएगा, 9 तक आप इसको बाय अवेल कर सकते हैं। 12 से 19 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। पाक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड जो है वो मंडे को एक्स हो के ओपन होगा, डिविडेंड था इसका 127% जो है वो 12.70 रुपये का इसका डिविडेंड था। 26 से 1 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट थी, ये शरिया कंप्लाइंट था, आज इसकी लास्ट डेट थी अवेल करने की। रिजल्ट्स जो है वो आज भी अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट आया है वो शेल पेट्रोलियम का था, अपना हाफ ईयर का रिजल्ट इन्होंने पेश किया है, और अपने जो सेकंड क्वार्टर में इनका लॉस रिपोर्ट हुआ है वो 33.13 रुपये का लॉस आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका लॉस आया था 15.93 रुपये का। इस तरह इनके जो टोटल हाफ ईयर का लॉस अभी बन गया है वो 73.62 रुपये का लॉस बन गया है इस 6 महीनों में। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल सिर्फ 13.53 रुपये का लॉस था, तो लॉस जो है वो इनका भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। अगला जो रिजल्ट था वो एग्रो फूड्स का था, इनका भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, और अपने सेकेंड क्वार्टर में इनकी 55 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल के क्वार्टर में जो है वो 45 पैसे का लॉस था, तो इस तरह इनकी जो टोटल हाफ ईयर की अर्निंग होगी वो 38 पैसे की होगी है। पिछले साल जो है ये 31 पैसे के लॉस पे थी कंपनी, तो लॉस से तकरीबन ये प्रॉफिट में आ गई है। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो पैकेजेस का था, पैकेजेस लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है, और अपने जो सेकेंड क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो 6.29 रुपये की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग थी 1.95 रुपये, तो इस तरह टोटल इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग अभी होगी है वो 8.51 रुपये की होगी है। पिछले साल जो है यही 14 रुपये की अर्निंग थी। अब पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया इन्होंने भी। लॉट केमिकल का भी आज हाफ ईयर का रिजल्ट था, और अपने सेकेंड क्वार्टर में इनका सिर्फ 4 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल के अगर क्वार्टर से देखें तो 1.17 रुपये की अर्निंग थी, तो टोटल अभी इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग होगी है वो सिर्फ 7 पैसे है। पिछले साल इनकी जो है वो 2.01 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। आज इंडेक्स ने जो है वो अपनी ये एक सपोर्ट को जो है वो टेस्ट किया है। इंट्राडे में जो है 39,500 और 39,200 की जो सपोर्ट्स थी उसको जो है वो टेस्ट किया है, और उससे ऊपर जो है वो फिर क्लोजिंग दी है। चैनल जो है इसको भी आज इंट्राडे में इसने ब्रेक किया है। इंट्राडे में जो है वो ये इस चैनल से नीचे ट्रेड हो रही थी मार्केट, लेकिन उसके बाद बाइंग आई है एंड पे, और इंडेक्स को जो है वो जो अपनी सपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 39,500 की ही है, 39,200 की सेकंड सपोर्ट है, जबकि 38,800 जो है वो नीचे के लेवल्स है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस 40,200 की इंडेक्स के पास अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस बन गई है, 40,500 से 600 जो है वो इंडेक्स के पास दूसरी रेजिस्टेंस है, और 41,100 से 200 की जो है वो चैनल की भी रेजिस्टेंस बनेगी, और साथ में जो है ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मौजूद है। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो मूविंग एवरेज जो 10 है EMA 10 वो 39,900 के लेवल पे है। तो इस वक्त मार्केट करंटली जो है वो EMA 10 के भी नीचे ट्रेड हो रही है। EMA 20 39,400 के लेवल पे, EMA 50 जो है वो 37,700, EMA 100 जो है वो 36,500, और EMA 200 जो है वो 36,450 के लेवल पे है।
इंडेक्स की अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई जो है वो तकरीबन 61 पे आ चुकी है।